तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी असुन प्रेम माहड़ा क्यों मिलिया हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आन मिलावे माए असुन प्रेम माहड़ा क्यों मिलिया हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आन मिलावे माए संत सहाई प्रेम के हों तिनकै लागा पाए बिन प्रभ क्यों सुख पाइया दूजी नाहीं जाए जिनी चाखिया प्रेम रस से त्रिपत रहे आगाए आप त्याग बिनती करह ले हो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतह ना जाए प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए असो सुखी वसंदियां जिना मया हर राए प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए असो सुखी वसंदियां जिना मया हर राए असुन प्रेम माहड़ा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दी साजी अते निवाजी गुरु का खास रूप गुरु खालसा गुरु संगत जीओ आपां सरबत गुरु कीआं संगतां सतगुरु साहिब आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जोड़ मिल बैठ करके साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की पावन मर्यादा दे अनुसार जो पावन असुन महीने की संगरान का जिहड़ा दिहाड़ा है मनाने दे लई एकत्रित हो रहे हाँ सतगुरु साहिब जी ने साडे गुरसिखां दे उपर बेअंत प्रकार का पर उपकार करदिया होया असानू साडे जीवन दे अंदर सब तो जिहड़ी वडमुली दात ये बख्शिश कीती कि असानू इस महान बाणी जिसनू बाणी दे अंदर ये उपमा कीती गई है कि वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जीवड अवर ना कोई। ऐसी जिहड़ी महान गुरबाणी है उस दे सानू लड़ लाया है। इस संगरांद दा दिहाड़ा मनाउणा गुरपुरब मनाउणे शहीदी दिहाड़े मनाउणे ये मानो साडे लई एक बहाना है
असल जेड़ा साड़ा जीवन दा मनोरथ वो ए है कि असी किसी भी बहाने गुरबाणी दे नाल जुड़ जाइए, क्योंकि विद्वान महापुरख दो गल्लां दसदे ने कि एक दृष्टांत हुंदा है एक दा दृष्टांत। वादी प्रतवादी निरनंत बचना सा दृष्टांत कि जिवें आपां किसे साधु महात्मा गुरु साहिबान जी दी जिहड़ी उपमा है वो करन वेले आपां एक शब्द वरतदे हाँ, आपां सीधे हाथ नहीं आखदे, गुरु साहिबान जी दे हत्थां दे लई आपां आखदे हाँ कि कर कमल, जां चरणां दे लई आपां बचन आखदे हाँ चरण कमल। इत्थे जिहड़े चरण ने इह दा दृष्टांत है ते जिहड़ा कमल है वह दृष्टांत है। बाहरी तौर ते जिहड़े दिहाड़े ने साडे समागम ने इह मानो एक साडा बहाना है, असल दे विच साडा जिहड़ा गुरसिखां दा मनोरथ है वह है साडा गुरबाणी दे नाल जुड़ना। ते इस जुड़न दी बाबत ही गुरबाणी आखदी है कि इह जिहड़ी पावन गुरबाणी है इस नूं सुनन वाले पढ़न वाले नमस्कारां करन वाले सानू बहुत मिल जाणगे। पावन गुरबाणी सानू इत्थों तक चोट मारदी है कि बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। जिन्हां मनुखां दा मुख गुरु दे वल हो जाएगा, जेड़ा ये सोचेगा कि गुरु की आखदा है इस नूं मैं पहल देवां, उही इस पावन बाणी दी जेड़ी विचार है उस नूं कर पावेगा सुन पावेगा। ते साडे गुरसिखां दे वड्डे भाग हन जो पावन श्री सहज पाठ दे भोगां तों उपरंत पावन गुरु घर दे गुरमुख कीर्तनी गुरसिखां दे वल्लों पावन शब्द कीर्तन होया, उपरंत अस्सू दे महीने दे शब्द दी जिहड़ी विचार आपां रल मिल करके करन दा जतन करना है। अज दा जो पावन उपदेश सानू सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने बख्शिया है, इस पावन शब्द दे अंदर सतगुरु साहिब जी ने दो प्रकार दे मनुखां दा जिक्र करना है। एक ओ हन जिन्हां नूं परमेश्वर वाहिगुरु दे नाल प्रेम लगा होया, ते दूसरे ओ ने जिहड़े संसारी तौर ते कम्मां धंदियां दे विच उलझ करके अपना आप गवा के चले गए। सतगुरु साहिब जी ने सानू इह समझाउण दा जतन कीता है कि जे मनुख परमेश्वर वाहिगुरु दी याद दे नाल जुड़ जावे तदों तां उस दे सारे जिहड़े दुख ने तकलीफां ने वह कटियां जा सकदियां ने। पर उस दे नाल जेकर वाहिगुरु दी याद दे नालों मनुख टुट जावे, जीवन दे अंदर यह याद भी ना आवे कि एक संसार तो बिना कोई निरंकार नाम दी भी कोई चीज़ है, ते उस दा जेड़ा जीवन है वो कदे भी सफला नहीं हो सकता। भाई साहिब भाई नंद लाल साहिब जी ने अपनी रचना दे अंदर जिक्र कीता है कि जेड़े मनुख उस परमेश्वर वाहिगुरु नूं याद करदे आ, जिन्हां दे दिमाग दे अंदर उस वाहिगुरु दी याद हुंदी है वो याद किन्नी कु कीमती है, इस दा जिक्र कीता है। यादे ओ बुनियादे उमरे जाविदां कि जेड़ी उस परमेश्वर वाहिगुरु दी याद है वो बुनियाद आखदे ने जड़ नूं,
कि साडे जीवन की जेड़ी जड़ है बुनियाद है उम्र दी ओ की है वह परमेश्वर वाहिगुरु की याद है। जेड़ा असी नाम जपते हाँ नाम जपद्या जपद्या वह नाम जदों साडी याद बन जाए उसनू असी सिमरन आखते हाँ। तो ऐसा जेड़ा सिमरन है उस याद नू सतगुरु साहिब और भाई नंद लाल साहिब जी कथन पे करते हैं, यादे ओ सरमाया ए साहिबे दिला के जेडे गुरमुख प्यारे ने उन्हां दे दिलां दी पूंजी की हुंदी है। ओ संसारी तौर ते जेडी माया है उस दी पकड़ छड करके उस वाहेगुरु दी नाम रूपी जेड़ी पूंजी है उस नूं इकट्ठा करदे आ। भाई नंद लाल साहिब जी ने इस दे नाल ही जिक्र कीता है कि यादे ओ दर्दे दो आलम रा रवास्त कि इस दुनिया दे अंदर हकीमा ने डॉक्टरां ने बड़िया बड़िया दवाइयां पैदा कीतियां ने पर कोई ऐसी भी दवाई है जेड़ी दो जहाना दे विच कम आवे इस मात लोक दे विच और परलोक दे विच ओ है एक परमेश्वर वाहिगुरु दी याद। पावन गुरबाणी इत्थों तक समझाउंदी है कि जेकर मनुख दा जीवन इन्ना भी गिरावट दे विच चलिया जावे जा को मुश्किल अत बने बहुत ज्यादा मुश्किलां आ के जीवन विच पै जान समझ भी ना आवे कि हुण कीता की जावे। जा को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे ते नाल इदां दा माहौल हो जावे कि कोई बांह फड़न वाला भी ना दिसे। फिर इत्थे ही बस नहीं इस तो भी माड़े हालात हो जान लागू होए दुश्मना साग पे भज खले जेड़े लागू दोस्त मित्र वह भी साथ छड़ जान जेड़े रिश्तेदार ने वह भी दुश्मना दे वांग व्यवहार करना शुरू कर देन। लागू होए दुश्मना साग पे भज खले सबो भज आसरा चुकै सब असराओ चित आवै उस पार ब्रह्म लगै ना तत्ती वाओ। जे किधरे फिर भी उस वाहिगुरु दा नाम चेते रह जावे ते फिर भी जेड़ा सौदा है वह घाटे दा नहीं। इसे बचना नू ही भाई नंद लाल साहिब जी आखरे हन कि यादे ऊ उस वाहिगुरु दी जेड़ी याद है सिमरन है। क्योंकि दास दी विचार सी कि आपां कहानियां साखियां आम करके सुनते रहने हैं। चलो पावन गुरबाणी दा ये वाक है कि बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन पर असल जेड़ा गुरबाणी दा सिद्धांत है असल गुरबाणी दी जेड़ी विचार है ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦੇ ਦੋ ਆਲਮ ਰਾ ਦਵਾਸਤ ਦਵਾਸਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ दर्दे आखदे ने दुख नू आलम आखदे ने जहान नू दो जहाना दे विच जेड़े पैन वाले सानू दुख ने उना दी दवा है उस वाहिगुरु दी याद। यादे ऊ हर गुमशुदा रा रह नमास्त असाडे जीवन दे अंदर जिन्नियां भी भुल्लां गलतियां होण वालियां ने उन्हां दी मुआफ़ी सानू इको गल दे विच मिल सकती है वह है परमेश्वर वाहिगुरु का नाम।
ते जेडे ऐसे गुरमुख प्यारे ने जिन्हां ने अपने जीवन दे अंदर एक नाम नूं ही अपनी ढोई बनाया है, सर्व रोग का औखद नाम, सारे दुखां दा औखद आखदे ने दवाई नूं। ये कोई गल्लां, ये कोई विचारां सिर्फ कहण सुनण मात्र नहीं हन, जां आपां ये नहीं आख सकते कि ये पुरानियां गल्लां ने। जे अज भी असी भावना दे नाल गुरबाणी नूं नमस्कारां करिए, पावन बाणी नूं असी किताब जानण दी बजाए गुरु का स्वरूप जाणीए, तदों सानू अज भी ये भावना महसूस होवेगी कि सतगुरु साहिब जी हाजर नाजर ने। आपां जीवन दे अंदर आप ही तजर्बा करके वेख सकते हाँ कि मन ही मन बेनतियां करते हुए कि सतगुरु साहिब जीओ, मैं जीवन दे विच उलझिया होया हाँ, मेरे जीवन दियां रुकावटां दे समाधान दे लई उपदेश बख्शो। और दास दे जीवन दा ये तजर्बा है, आम करके ये घटनावां हुंदियां ने कि सतगुरु साहिब जी ऐन मौके ते उही जेड़ा पावन उपदेश है वह बख्श के निहाल कर देंदे आ। ये है सतगुरु साहिब जी दे हाजर नाजर होण दा सबूत। बस फर्क ये है कि साडी जेड़ी भावना है, विश्वास है, वो सतगुरु साहिब जी दे उपर बढ़ जावे ते असी इस विचार नू ग्रहण करके ये धारण कर लईए कि बाणी बिरलो विचार सी, वो जेड़े विरले हन साडी उन्हां दे विच गिणती आ जावे। जनी कि मसला ये है, असी सिर्फ पावन गुरबाणी नूं नमस्कार करन तक जां रुमाला साहिब चढ़ाउण तक, सहज पाठ कराउण तक ना सीमित रखिए। इस पावन बाणी दे अंदर किन्ने कु खजाने हन, किन्ने कु रतन लुके ने, इस दे लई वी आपां जरूर आपो अपना जतन जेड़ा है लभण दा जरूर करिए। जिथे आपां अपने बच्चियां नूं संसारी पढ़ाइयां दे लई बड़ा उत्साहित करते हैं, उथे आपां जतन करिए, क्योंकि पावन गुरबाणी ये आखदी है कि लेखा रब मगेसिया तू आहूं केरे कम, के परमेश्वर वाहेगुरु ने साडे कोलों लेखा मंगना है। असी संसार दे विच बहाने ला सकते हैं कि सवेरे उठिया नहीं जांदा, सानू काम धंधे हुंदे आ, पर उस परमेश्वर वाहेगुरु दे सामने कोई बहाने नहीं चलते। पावन गुरबाणी आखदी है कि लेखा देना सुहेला जो दिल सूची होए, जिमें आपां हिसाब किताब लाउणे आ, जे अपनी सूची बनी होवे ते हिसाब किताब देना सौखा हो जांदा है। उसे प्रकार पावन गुरबाणी आखदी है कि लेखा देना सुहेला जो दिल सूची होए, जे असी अपने जीवन दे अंदर मन नूं पावन गुरबाणी दे राही, पावन नाम दे राही सूची मैंने शुद्ध कर लिया, तदों जेड़ा साडा लेखा है ये देना आसान हो जांदा है। इसलिए अज असी अज पावन असुन दे महीने दे राही इस उपदेश नूं ग्रहण करके जाना है कि साडी जेड़ी बहानियां दी जिंदगी है उस दे विचों निकल करके असी सतगुरु साहिब जी दा जेड़ा शुकराना है उस दे विच आपां प्रविरत होना है। दो शब्द हन, एक है शिकवा और दूसरा है शुकराना। आम करके साडी जेड़ी जिंदगी है बहुतात वो शिकव्यां दे विच बतीत हो जाती है,
मनुख सोचता है कि मैनू वाहेगुरु ने दिता ही की है, पर आपां इह सोच के हैरान होवांगे कि जेड़ा साडा शरीर वाहेगुरु ने सानू बख्शिया है, इस दे एक एक अंग दी जे आपां कीमत लाईए ते अरबा खरबां दा इह शरीर ही बन जाना है। इन्ने आपां अमीर हाँ कि सानू बाहरी तौर ते जेड़ियां अमीरियां ने उन्हां दी परवाह करन दी लोड़ नहीं है। चलो ठीक है कि माया आपो अपने साधना दे लई गुजरान है, पर जेड़ी धर्म दी दुनिया है, प्रेम दा जेड़ा मार्ग है, उत्थे सतगुरु साहिब जी बाहरी लिबास नहीं वेखदे, उत्थे साडियां बाहरी जेड़ियां पदवियां ने उह नहीं वेखियां जांदियां। पावन गुरबाणी दे समक्ष साडी इह पड़चोल हुंदी है कि गुरु दे प्रति साडी भावना किन्नी कु प्रबल है। गुरु साडा अंदर वेखदा है, रहत प्यारी मुझ को सिख प्यारा नाहे। बाहरी तौर ते असी किन्ने कु सुंदर हाँ, इस दे नाल गुरु दा कोई लेना देना नहीं। गुरु दा जे लेना देना है ते असी रहत दे अंदर किन्ने कु परपक हाँ। गुरु की हजूरी दे अंदर, गुरु की जेड़ी पावन मर्यादा है, असी उसनू किन्ना कु नभा रहे हाँ। क्योंकि पावन गुरबाणी आखदी है कि असल दे अंदर गुरु दे नाल उस दा प्रेम पैंदा है जेड़ा गुरु दी गल मनदा है। पावन गुरबाणी सानू इह समझाउंदी है कि अपने भाणे जो चले भाई विछुड़ चोटा खाए। जेड़ा अपने आप मन दियां मर्जियां दे अनुसार जीवन गुजार दिंदा है, तुसी किसी भी बुजुर्ग नूं आख देना करो कि भाई तेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अमृत छक लैना कर, वो अपने जीवन दे तजर्बे दे विचों 100 बहाने तुहानू कट कट के अगे रख देवेगा। पहला आम करके साडा बहाना यह हुंदा कि मन साफ होना चाहिदा है, अमृत छक के की होना। मन साफ होना चाहिदा, गुरद्वारा साहिब जाके की लेना। पर असी इस मन दी हालत नूं जानदे नहीं हाँ। पावन गुरबाणी आखदी है कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याहो। जा इस मन दी चाल गुरबाणी लिखदी है कि कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए प्याले। ये मिनी सिकिंटां दे विच आकाश नूं उड जांदा है ते मिनी सिकिंटां दे विच पताल विच चला जांदा है। इसलिए असी मन नूं एवें कोई खड़ौना समझ करके अपना जीवन बतीत ना कर जाइए। आपां पावन गुरबाणी दे बचना नूं समझ करके ये विचारीए कि गुर कहिया साकार कमावहु, गुर की करनी काहे तावहु। जो गुरु ने आखिया है उस नूं मनना साडा पहले दर्जे ते साडा फर्ज बनता है। इसलिए गुरु के गुरु प्यारियां नूं जेड़ी गुरु की संगत है, इस नूं करना कदे भी छड़ना नहीं चाहिदा। क्योंकि पावन गुरबाणी आखदी है कि संगत का गुण बहुत अधकाई, पढ़ सुआ गनक उधारे। वड्डे वड्डे जिहड़े पाप करन वाले लोग हन, उन्हां दा जिहड़ा जीवन है वह चंगी संगत करन करके उन्हां दा उधार हो गया। क्योंकि एक बार भगत कबीर साहिब जी दे पास कोई मनुख आया ते भगत जी नूं आके आखण लगा कि भगत जी मैनू कोई उपदेश देना करो।
भगत जी आखन लगे कि कबीर साकत संग ना कीजिए कि जेडे साकत हन ईरखा द्वैश दे नाल जेडे मनुख भरे हुए आ उन्हां दी कहंदे जेडी संगत है वह करना ही ना करो ते वह उपदेश लैण वाला मनुख आखन लगा कि जे संगत कर भी लवांगे फिर की हो जूगा मैं जदों आप सच्चा हाँ मैं आप चंगा हाँ फिर संगत की कर देवेगी। भगत कबीर साहिब जी आखन लगे कि भावें तू किन्ना भी चंगा है फिर भी दूरह जाइए भाग ऐसे मनुख दे कोलों भज करके दूर चला जाना करो। भगत कबीर साहिब जी ने एक जगह होर जिक्र किया है कि जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है कि जेडे मनुख परमेश्वर वाहिगुरु ने भगती तो हीणे पैदा किए है उन्हां कोलों डर के रहो। सतगुरु साहिब जी की पावन गुरबाणी के अंदर सतगुरु साहिब जी ने वार वार सानू इस गल दे लई समझाया है कि जेड़ी गुरु की संगत है गुरमुखा की संगत है वह साडे लई करनी बड़ी लाजमी है। उपदेश लैण वाला मनुख आखण लगा कि जे संगत कर भी लवांगे फिर की असर पवेगा। भगत जी आखण लगे कि बासन कारो परसीए तो कश लागे दाग कहंदे कि जे आपां किसे काले भांडियां दी जगह ते चले जाइए जिन्ना आपां मर्जी बचा कर लईए फिर भी कपड़ियां नूं दाग कोई ना कोई लग ही जांदा है इन्नी असरदार है जिहड़ी माड़ी संगत। सतगुरु साहिब जी की पावन गुरबाणी के अनुसार विद्वाना ने जिहड़ी मत है वह चार प्रकार की मत का जिक्र किया है। एक हुंदी है मन मत जिहड़ा अपने मन के मगर लगना मन की मननी उसनू आखिया जाता है मन मत। दूसरी हुंदी है अन मत जेड़ियां पावन गुरबाणी तो बिना होर तरह दियां विचारां ने उसनू करना उसनू मनना उसनू आखिया जांदा है अनमत। तीसरी हुंदी है दुरमत जेड़ी खोटी बुद्धि प्राप्त हो जानी हमेशा दिमाग दे अंदर माड़ियां विचारां चलनियां इसनू आखिया जांदा है दुरमत। ते चौथी हुंदी है गुरमत ते आपां गुरसिखां ने गुरसिख होण दे नाते गुरु की जेड़ी मत है उस नूं ग्रहण करन दा जतन करना है जिस दे नाल असाडा जेड़ा मनुखी जीवन है प्राणी तों आया लाहा लैण लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रहण ये जेड़ी उमरा रूपी रात है ये साड़ी मुकदी जा रही है असी इस संसार दे उपर एक प्रौणचारी दे वांग आए हैं जिमें आपां सरावां दे विच जा के रहने हैं सानू पता हुंदा कि सवेरे आपां घर नूं वापस जाना है इसलिए असी इत्थे हमेशा रहण वाले नहीं हाँ। साड़ी उम्र किते किन्नी कु है पावन गुरबाणी आखदी है हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जाना। साड़ी उम्र इदा घटती जा रही है दिन ते पहर पहर ते घरियां आव कटै तन शीजै काल अहेरी फिरै बदक ज्यो कहो कवन बिद कीजै कि जेड़ी मौत है वो शिकारन हो के हमेशा साढ़े मगर लगी हुई है असी मौत दे कोलों बच नहीं सकते असी मौत नू स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि भगत कबीर साहिब जी की साखी है
कि जेड़ा अपने जीवन दे अंदर मौत नूं भी हमेशा याद रखे वो बड़े तरह दे पापां कोलों बच जांदा है। इसलिए सतगुरु साहिब जी ने सानू वार वार ये गल की दृढ़ता करवाई है कि भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। ते असी जेड़ा अपना जीवन है ये दो शब्दों की जेड़ी विचार है शिकवा और शुकराना। असी शिकव्यां दी जेड़ी जिंदगी है जीवन है उस दे विच्चों आपां निकल करके अपना जेड़ा जीवन है उस शुकराने दे विच गुजारीए। असी जदों सतगुरु साहिब जी दे हजूर, क्योंकि आम करके जेड़ा मनुखी दिमाग है वो सोचता है कि मैं बड़ा सियाणा हाँ, पर सतगुरु साहिब जी ने सानू जेड़ी अरदास दी दात है इसलिए बख्शी है कि असी जीवन साडा पद्धर चाहे जिन्ना मर्जी उच्चा हो जावे, साडी अवस्था जिन्नी मर्जी उच्ची बन जावे, पर फिर भी असी अरदास करनी नहीं छड़नी, क्योंकि ये जेड़ा जीवन है अज हो सो नाओ समुंदर मह क्या जानो क्या होए। हजे जेड़ी साड़ी जीवन दी बेड़ी है ये समुंदर दे अंदर जा रही है, हजे इस दा पता नहीं कि किथे इसने नाश तो नाबूद हो जाना है। तां करके पावन गुरबाणी दे अंदर अज दे पावन शब्द दे राही सतगुरु साहिब जी ने उन्हां दो प्रकार दे मनुखां दा जिक्र कीता है कि एक ते जिन्हां दा परमेश्वर वाहिगुरु दे नाल प्रेम लगा होया, ते दूसरे जेडे परमेश्वर वाहिगुरु दे प्रेम तो हीणे हन, उन्हां दा जिक्र सतगुरु साहिब जी पावन शब्द दे अंदर जिस प्रकार कर रहे हन, मन बिरतियां नूं एकागर करके शरदा भावना दे संयुक्त सुनना करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। असुन प्रेम महाराज। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी असुन महीने दे राही पावन वचन उचारण करते हैं कि इस असू दे महीने दे अंदर जिन्ना गुरमुख प्यारियां दा प्रेम उमाहड़ा, कि जिन्ना नू परमेश्वर वाहिगुरु दा उमाहड़ा लगा होया, चा लगा होया कि ओ जेड़ा परमेश्वर वाहिगुरु है क्यों मिलिए हर जाए, कि उस वाहेगुरु नूं असी किस तरीके दे नाल किस विधि विधान दे नाल मिल सकते हैं। इसे पंक्ति दे अंदर ही जवाब है कि असुन प्रेम उमाहड़ा। असुन दा अर्थ विद्वान पुरश करते ने आ मैने सर्ब और से सुन मैने सुनना। जेड़ा परमेश्वर वाहेगुरु दे नाम नूं इस शिद्दत दे नाल जपदा है कि उस नूं हर पक्ष तो हर वेले नाम सुने, जां असुन दा अर्थ कीता जांदा है आ मैने विशेष करके सुन मैने सुनना। जेड़ा बाकी मनुखां दे नालों विशेष करके गुरबाणी सुनदा है, बाकी मनुखां दे नालों विशेष करके नाम नूं सुनदा है, प्रेम उमाहड़ा, उस नूं परमेश्वर वाहिगुरु दा जेड़ा उमाहड़ा है प्रेम दा वो लग जाना करदा है। क्यों मिलिए हर जाए, फिर उस दे चिंतन दे अंदर ये विचार पैदा हो जांदी है कि हर जाए, जाए दा अर्थ हुंदा है जगह। वो परमेश्वर वाहिगुरु दा जेड़ा स्वरूप है उसनू असी किवें जाके मिलना करिए ये चिंतन शुरू करता है, जां इस दा अर्थ कीता जांदा है क्यों मिलिए हर जाए। जेड़े हरी वाहिगुरु ने सानू जाए मैने पैदा कीता है
असी उस वाहेगुरु नूं किस विधि विधान दे नाल जाके मिलना करिए। मन तन प्यास दर्शन घणी। सतगुरु साहिब जी आखदे हन कि उस परमेश्वर वाहेगुरु दे दर्शना दी जेड़ी तांग है, मन दे अंदर प्रेम लगा होया है ते तन दे अंदर तांग लगी हुई है, ऐसी प्यासा मन दे अंदर पैदा हो गई है कि परमेश्वर वाहेगुरु दे नाम तो बिना, गुरबाणी पढ़े तो बिना जेड़ी गुरबाणी है और जेड़ा आम जेड़े पदार्थ ने रस ने उन्हां दे विचों रस ही नहीं आउंदा। ऐसा जिन्हां दा प्रेम परमेश्वर वाहेगुरु दे नाल बढ़ जाना करदा है दर्शन कणी, उन्हां नूं परमेश्वर वाहेगुरु दे दर्शना दी जेड़ी बहुती प्यास है वो लग जाना करदी है। कोई आण मिलावै माए। फिर वो ये जतन करदे हन कि कोई साधु महात्मा कोई गुरमुख प्यारा आके मिलना करे, जेड़ा उस परमेश्वर वाहेगुरु दी याद दे नाल परमेश्वर वाहेगुरु दे स्वरूप दे नाल मिला देना करे। संत सहाई प्रेम के। सतगुरु साहिब जी आखदे हन कि परमेश्वर वाहेगुरु दा ये जेड़ा मार्ग है प्रेम के सहाई संत, प्रेम दा जेड़ा मार्ग है उस दी सहायता करन वाले, उस दे रस्ते ते चलाउन वाले जेड़े शांत आत्मा साधु महात्मा ने। इत्थे जेड़ा संत शब्द आया है इस दे तीन अर्थ हन, एक है गुरु, दूसरा है साधु और तीसरी है संगत। कि संगत सहाई हुंदी है, साधु महात्मा सहाई हुंदे ने, गुरु साहिबान जी सहाई हुंदे ने सानू प्रेम दे मार्ग दे उपर चलाउण दे लई। तिन कै लागा पाए। सतगुरु साहिब जी आखदे ने कि ऐसे करनी वाले जेड़े महात्मा ने उन्हां दे चरणी लगना करो, जो दिसै गुर सिखड़ा तेस निव निव लागे पाए जियो। बिन प्रभ क्यों सुख पाईऐ। सतगुरु साहिब जी वचन करदे हन कि परमेश्वर वाहिगुरु दे नाम तो बिना जेड़ा सदैवी काल दा सुख है वो कदे भी प्राप्त नहीं हो सकता। पावन गुरबाणी दे अंदर वचन आउंदे ने, बिनस जाए जो निमख मह सो अल्प सुख पनिए। थोड़े समय दे अंदर जेड़ा नाश हो जावे उसनू छोटा सुख आखिया जांदा है। वेण प्रभ क्यों सुख पाईए। परमेश्वर वाहिगुरु दे नाम तो जुड़े तो बिना, सतगुरु साहिब जी दे मार्ग ते चले तो बिना जेड़ा जीवन दे अंदर सुख है ओ प्राप्त नहीं हो सकता। दूजी नहीं जाए। नाल सतगुरु साहिब जी ये भी हदायत करदे ने कि सतगुरु साहिब जी तो बिना, परमेश्वर वाहिगुरु तो बिना संसार दे विच होर कोई जगह भी नहीं है कि जिथों सानू जेड़ा सुख है वो प्राप्त हो सके। पर अज साडे बहुते जेड़े सिख ने वो सोचते आ कि असी गुरु का दर छड़ के, गुरु का असी कृपा रूपी पला छड़ के शायद सानू होर कितों सुख मिल जाएगा। हो सकता है कि साड़ियां संसारी लोड़ां पूरियां हो भी जान, पर जेड़ा असल सुख है वो साडे अंदर दा है ते जेड़ा गुरु तो बिना सानू प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए दास बेनती करे कि असी अपने सब प्रकार के जेड़े हंकार ने उन्हां नूं छड करके गुरु की चरणी लगीए, क्योंकि साडा जेड़ा मनुखा जीवन है इस दी पहुँच इत्थों को तक है कि सहस स्याणपा लख होहे।
ता एक ना चले नाल। असी अपने उमरां दा हंकार छड दईए, असी सब प्रकार पैसे दा हंकार छड के, अपनियां बुद्धि दियां सियाणपां छड करके इस गल दे धारनी हो जाइए कि गुर की जेड़ी महिमा है, गुरु का जेड़ा उपदेश है, उस नूं ग्रहण करना करिए। क्योंकि सतगुरु साहिब जी स्पष्ट बचन आखरे हन, दूजी नाहीं जाए, गुरु तो बिना होर कोई जगह नहीं है जिथों सानू जेड़ा सुख है प्राप्त हो सके। जाखिया प्रेम रस सतगुरु साहिब जी आखदे ने कि जिन्ना मनुखा ने परमेश्वर वाहिगुरु दा जेड़ा प्रेम रस है उस नू चखना कीता है, धारण करना कीता है, त्रिपत रहे आगाए, उन्हां दियां जेड़ियां वासनावां ने उन्हां दे वलों वो त्रिपत हो करके रज जांदे आ, उन्हां दे अंदर पराया हक खाण दी जेड़ी इच्छा है वो खत्म हो जांदी है, उन्हां दे अंदर जेड़ा पराया तन है उस नूं तकण दी जेड़ी इच्छा है, तृष्णा है, वो खत्म हो जांदी है। सतगुरु साहिब जी दी पावन गुरबाणी सानू ये आखदी है कि जेड़ा मनुख है वो अपने जीवन दे अंदर इन्ना कु लोभी बन जांदा है कि बेसमझ हो करके अपने जीवन दे अंदर इस प्रकार करदा है कि बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुत दारा पह आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पह लीजै। के मनुख की करदा है कि बड़े बड़े चतुर चलाकियां करके जेड़ा पराया हक है उसकी कमाई करदा है, पर सतगुरु साहिब जी आखदे ने कि मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेड़ा तेरे जी पहलीजै। अंतां नूं तेरा जेड़ा नबेड़ा है ये तेरे सूक्ष्म शरीर दे कोलों लिया जाना है। तां करके भगत कबीर साहिब जी ने आखिया है कि तुसी अपने जीवन दे अंदर जेड़ा धोखा है उस नूं किसे दे कोलों खा लैण दे विच कुछ भी जांदा नहीं, पर अपने जीवन दे अंदर कदे भी किसे नूं जेड़ा धोखा है वो ना देना करो। ये जेड़ा धोखा है सानू तृष्णा दी अग्नि दे अंदर, क्योंकि तृष्णा दी जेड़ी अग्नि है वो ऐसी है कि जिवें प्रतख बलदी होई अग्नि होवे। मनुख वार वार सोचता है कि शायद मैं बहुते पैसे कमा के फिर रज जावांगा, सोचता है कि मैं वड्डियां कोठियां कारां बना के फिर रज जावांगा, पर असल जेड़ा सुख है वो सानू बाहरी तौर ते कदे भी प्राप्त हो नहीं सकता। इत्थे एक होर विचार नूं समझ लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आम साड़ियां अज्ञानतावां ने ये गल्लां प्रचार दित्तियां ने, ते असाडे जेड़े प्रचारक ने वह भी ये प्रचार दे विच जोर लाउंदे आ कि जेड़ा वाहिगुरू वाहिगुरू दा सिमरन असी करदे आ उस दी बाबत सवाल चुके जांदे आ। उदाहरण ये दिंदे आ कि जिवें कोई मनुख शक्कर आखी जावे ते उस नूं मिठा नहीं आउंदा, जे कोई ये आखी जावे किसे वस्तु दा नाम लैण तों जेड़ा स्वाद है वो प्राप्त नहीं हुंदा, वो ये उदाहरण दिंदे आ। पर इत्थे समझन वाली गल है कि जेड़ी शक्कर है जां मिठी वस्तु है वह सानू तां स्वाद नहीं दिंदी आखण करके, क्योंकि वह साडे शरीर दे नालों वक्री है। शक्कर एक वक्रा पदार्थ है, साडा जेड़ा शरीर है वह वक्रा है,
पर जेड़े वाहेगुरु नूं असीं याद करदे आं उस नूं याद करन करके असानू रस आनंद तां आ जांदा है क्योंकि साडे वो अंदर वसदा है। घट घट मैं हर जो बसै संतन कहियो पुकार, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। ओ वाहेगुरु तां कण कण दे विच समाया होया है, असी उस नूं किसी भी अवस्था जिवें जिहड़ा असी दुध पीने आ, दुध दे बारे भावें आपां नूं जानकारी होवे जां ना होवे, पर उस दे जिहड़े गुण ने उह साडे शरीर नूं जरूर असर करदे आ। उसे प्रकार वाहेगुरु दे जिहड़े गुण हन, वाहेगुरु शब्द दे अर्थ भावें सानूं ना वी पता होण, पर फिर भी जे असीं भगत कबीर साहिब जी दे बचना दे अनुसार श्रवण करिए कि कोई गावै को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। बस खेड है कि साडा जिहड़ा मन है वह जुड़िया होवे, फिर असी भावें पावन बाणी भावें पावन नाम नूं असी सुनीए भावें गावीए, सानू जिहड़ी परम अवस्था है वह जरूर प्राप्त होवेगी। सतगुरु साहिब जी इत्थे बचन कर रहे हैं कि जिन्नी चाखिया प्रेम रस, जिन्हां ने परमेश्वर वाहेगुरु दे प्रेम रस नूं चख लैणा कीता है, से तृप्त रहे आ गाए। वह विशियां विकारां दी तृष्णा दे वलों उन्हां दे जीवन दे अंदर ऐसी घटना घट जांदी है कि मुकत बपुरी भी ज्ञानी त्यागै। जिहड़ा ज्ञानवान है वह मुक्त होण दी जिहड़ी इच्छा है उस नूं भी छड्ड दिंदा है। इसलिए वह विषय विकारां दी तृष्णा दे वलों रज जाना करदे हन। आप त्याग बेनती करहै, सतगुरु साहिब जी सवाल करदे हन कि जेड़े गुरमुख प्यारे ने जिन्हां ने अपने जीवन दे अंदर नाम दी कमाई कीती है, निम्रता धारण कीती है, उन्हां दा जीवन किस प्रकार दा बन जांदा है। आप त्याग बिनती कर है, ओ अपना आप जेड़ा है उस नूं छड करके, ओ अपने ज्ञान दा जेड़ा हंकार है, पैसे दा जेड़ा हंकार है, उच्ची जाति दा जेड़ा हंकार है, अपनी जेड़ी होंद हस्ती है उस नूं खत्म करके बिनती कर है। सतगुरु साहिब जी दे चरण कमलां पास जिहड़ी अरदास बेनती है उस नूं करना करदा है। देहो प्रभु लड़ लाए, ते बेनती दे विच की बचन आखदा है कि हे प्रभु मालक वाहेगुरु जीओ, मैनू अपना किरपा रूपी जिहड़ा पलड़ा है वह फड़ा करके मैनू मेल लैणा करो, मैनू अपने स्वरूप दे नाल अपने अंग दे नाल। आपां कई बार शब्द बोलदे हाँ कि सतगुरु साहिब जी अंग संग हन, आपां कई बार शब्दां ते ध्यान नहीं दिंदे, फिर भी आपां चिंता करदे हाँ क्योंकि पावन गुरबाणी आखदी है कि नानक चिंता मत करहो, चिंता तिस ही है। जेड़ा गुरसिख हो करके चिंता करता है वह असल विच सिख हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिख होने का मतलब ही ये है कि असी गुरु नू अपना आप समर्पित कर दिता है। इसलिए सब प्रकार करके जेड़ा हंकार छड के बेनतियां ये करता है कि ले हो प्रभु लड़ लाए, कि मैनू अपने नाम रूपी शब्द रूपी संगत रूपी जेड़ा पल्ला है
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਸਰੂਪ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤ ਹੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤ ਹੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਣਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੋ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਯਾ ਹਰ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਅਸੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਯਾ ਦਿਆਲਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਪੰਗ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਪੰਗ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜਪ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जे अपना सिख किते मूल मंत्र नू ही समझ लईए ते अपना जिहड़ा पार उतारा है मूल मंत्र दे नाल ही हो सकता है। बस बशर्ते ए है कि असी पावन गुरबाणी नू नमस्कारा करन दी बजाए पावन गुरबाणी दियां जिहड़ियां विचारां ने उह वी आपां जरूर श्रवण करिया करिए। क्योंकि किसे विद्वान दा कथन है कि जिन के गुरपुरब मनाते हो तिन की बात भी माना करो। इसलिए जेडे मातावां भैणां ने वीर बजुर्गां ने केस कतल करवाए ने ओ गुरु की हजूरी दे अंदर आपां ए प्राण ए जतन करिए कि सतगुरु साहिब जी ओ हार परयो स्वामी के द्वारा दीजै बुद्ध विवेका कि सानू जेड़ी विवेक बुद्धि दी दात बख्शिश करो जिस दे सदका असी तुहाड़ियां जेड़ियां धारनावां ने तुहाड़ियां जेड़ियां सिखियावां ने उन्हां दे उपर पहरा दे सकीए। यही असल तरीका है गुरु दी जेड़ी किरपा दे पात्र बनन दा। इस दे नाल ही साडा लोक सुखिया परलोक सुहेला हो सकता है। विचारा करदियां तो होईयां बेअंत भुलां दी खिमा बख्शना जी। अखीरलियां पंक्तियां पढ़ करके समाप्ति करना करिए जी। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए असो सुखी वसंदिया जना मया हर राय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।